जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। डीवी भारती समाचार चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। दैनिक जन्म राशि फल में आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री आगरा झांसी। सबसे पहले राशि है मेष। मेष राशि वालों को आज के दिन आपका स्वास्थ्य उतार चढ़ाव भरा रह सकता है एवं व्यापार मध्यम रहेगा। दूसरी राशि है वृक्ष। वृक्ष राशि वालों को भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति हो सकती है। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को अनायास अचानक शुभ धन लाभ के संकेत, मानसिक तनाव बेचैनी भी हो सकती है। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को आपको आज किसी पद पर प्रतिष्ठित है, नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण जैसी स्थितियां भी बन रही हैं। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को आपको भाग्य का उदय होगा, घर परिवार वालों मित्रों से अच्छे संबंध रहने के योग भी बन रहे हैं। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वालों को अनायास अचानक धन लाभ, मानसिक तनाव बेचैनी कम। सातवीं राशि तुला। तुला राशि वालों को अटका हुआ व्यापार अथवा पैसा प्राप्त हो सकता है एवं शत्रु परास्त होंगे। आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को नए भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति, पूर्ववत किसी पद पर प्रतिष्ठित हैं तो नए पदोन्नति हो सकती है, स्थानांतरण योग भी बन रहा है। नवम राशि है धनु। धनु राशि वालों को आपको आज के दिन किसी व्यापार अथवा नए काम को लेकर आप कहीं बाहर जा सकते हैं, अटका हुआ काम आपको आज के दिन प्राप्त हो सकता है। दशम राशि है मकर। मकर राशि वालों को आपको आज के दिन कोर्ट कचहरी मुकदमों जैसे में विजय प्राप्ति होगी, बहुत दिनों से चला आ रहा वाद विवाद समाप्त हो सकता है। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को आपको आज के दिन स्वास्थ्य एवं यात्रा आप सचेत और सतर्क रहकर ही करें, क्योंकि कोई स्थिति ऐसी बन सकती है जो आपकी दुर्घटना का कारण भी बन जाए। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वालों को आपको आज के दिन आप कोई भूमि भवन निर्माण प्रारंभ कर सकते हैं, नया व्यापार शुरू कर सकते हैं अथवा प्लॉटिंग जैसी स्थिति में आप हाथ डालेंगे तो आप नई बुलंदी, नई ऊंचाइयों की ओर आप जा सकते हैं। और आप भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करें, पुखराज नामक रत्न धारण करें जो कि आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम कारक होगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।